हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी होम रेमेडीज। आज मैं आपको बच्चे का रंग गोरा कैसे करने का घरेलू उपाय बताती हूँ। वो इजीली आपके घर में मिल जाते हैं ये सामान। इसके लिए हमें चाहिए बेसन 2 टीस्पून, 1 से 2 टीस्पून लीजिए बेसन, या चिकपी फ्लार भी कहते हैं इसे इंग्लिश में। बेसन स्किन को सॉफ्ट करता है और रंग निखारने में बहुत मदद करता है। इसके बाद हमें चाहिए 1/2 से 1/4 टीस्पून हल्दी। घर की हल्दी नहीं लेना चाहिए हमें, आमे हल्दी लेना चाहिए जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, यानी वाइल्ड टर्मेरिक या उसे कस्तूरी मंजर भी कहा जाता है तो कुछ एरिया से। फिर हम डालेंगे इसमें 1 से 2 बड़े चम्मच दूध, कच्चा दूध डालें या आप बॉयल करके ठंडा करके भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से एक घोल बना लें, ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा बनाना चाहिए इसे। हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, अच्छे से मिक्स करने के लिए। इस तरीके से हो जाएगा, आप देख सकते हैं ना पतला है ना ये गाढ़ा है। हम इजीली इसे हाथ से लेकर बच्चे को, पहले हम बच्चे को कुनकुने तेल से मालिश करेंगे, फिर हम इस लेप को लगाएंगे। इस लेप को हल्के हाथों से हम बच्चे को मालिश करेंगे, इससे अनचाहे बाल भी झड़ जाएंगे और रंग साफ होने में भी बहुत मदद करता है। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होते हैं और स्किन लाइटनिंग भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं जो रंग इम्प्रूव करता है। बेसन रंग को स्मूथ करता है, स्किन को स्मूथ करता है, सॉफ्ट करता है और ग्लोइंग बनाता है। आप इस पैक को बच्चे के बदन पर, फेस पर, हाथों पर, पैरों पर अच्छे से रगड़ कर नहला दीजिए, आप ख़ुद फ़र्क देखेंगे। ये पैक यूज़ करने के बाद आप नीम गर्म पानी यूज़ कर सकते हैं या ठंडा पानी भी यूज़ कर सकते हैं। इस पैक को रेगुलरली यूज़ करके आप खुद फर्क देख सकते हैं। 2-3 महीनों के बाद बच्चे के रंग में निखार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और वह बहुत ब्यूटीफुल और खूबसूरत भी हो जाता है। धन्यवाद मेरा चैनल देखने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट इट।